हेलो एवरीवन, वेलकम टू शादास कुजिन। आज की रेसिपी है, देखकर तो समझ ही गए होंगे, जी हाँ, पास्ता। ये हम बनाएंगे इंडियन स्टाइल में थोड़े से ट्विस्ट एंड टर्न के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सबकी पसंदीदा रेसिपी पास्ता। अगर ये रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबाएं। हमें चाहिए एक कप मैक्रोनी या एल्बो पास्ता, इसके जगह पे आप कोई भी पास्ता ले सकते हो। हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं पास्ता को उबालने से। तो पहले पानी को अच्छी तरह से बॉईल होने दें, फिर पास्ता रखें। पास्ता काफी अच्छी तरह से पक रहा है, तो चलिए जब तक हमारा पास्ता रेडी होता है हम आगे की तैयारी करते हैं। हमारा जो पास्ता है उसे थोड़ा फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने यहाँ पर कश्मीरी मिर्च ली है, जिसे आधे घंटे तक पानी में अच्छी तरह से भिगोकर रख लिया, जिससे जो ये कश्मीरी मिर्च है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी और इसे पीसने में हमें काफी आसानी होगी। अब एक मिक्सर जार लें और उसमें भिगोए हुए कश्मीरी मिर्च का पानी अच्छी तरह से निकाल लें और एक एक करके मिक्सर जार में वो मिर्ची रख दें। अब हम इसमें मिर्ची के साथ ऐड करेंगे लहसुन, 6 से 7 लहसुन की कलियां और आधा छोटा चम्मच जीरा। मिर्ची और लहसुन का जो पेस्ट है हमने बनाकर रेडी कर लिया है, इसे हमने थोड़ा सा पानी रखकर पीस लिया था। पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, गाजर बारीक कटा हुआ, हरा मटर और 6 से 7 लहसुन जिसे हमने बारीक काटकर रेडी कर लिया है। एक पैन लें, उसमें 2 बड़े चम्मच तेल गरम करें। तेल अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें रखेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। लहसुन को हमें ज्यादा नहीं भूनना है, इसका कच्चापन जाने तक 1 मिनट तक लो फ्लेम में अच्छी तरह से इसे भून लें। इससे लहसुन की जो टेस्ट है वो काफी अच्छी आती है पास्ता में। अब हमारा लहसुन अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसमें रखेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब हम इसमें रखेंगे 1 छोटा चम्मच नमक। अगर पास्ता उबालते समय अगर आप नमक रखते हो तो यहाँ पर नमक थोड़ा कम रखें। हमने पास्ता उबालते वक्त नमक नहीं रखा था, तो उसी हिसाब से नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। फिर थोड़ा सा हल्दी रखें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें रखेंगे हमारा मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। आप अपने अनुसार ये पेस्ट रख सकते हो, अगर ज़्यादा पसंद है लहसुन की टेस्ट तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो। इससे जो पास्ता में कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। इस पेस्ट की खासियत ये है कि इससे कलर बहुत अच्छा आता है और बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। अब पेस्ट अच्छे से पकने के बाद हम इसमें रखेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर अच्छी तरह से गलने तक इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं। टमाटर जल्दी से गल जाए इसलिए हमने इसे 3 मिनट तक ढककर लो फ्लेम पर पका लिया है। अब चेक करते हैं कि टमाटर पका हुआ है या नहीं। देखिए टमाटर अच्छी तरह से मैश हो रहा है, अब इसे पूरी तरह से मैश करें। टमाटर अच्छे से मैश हो गया है, अब हम इसमें रखेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। इसके जगह पे आप घर पे जो मसाला यूज करते हो या जो मसाला आपको ज़्यादा पसंद है वो मसाला भी आप रख सकते हो। अगर कुछ नहीं तो धनिया जीरा पाउडर में भी ये काफ़ी अच्छा बनता है।
मसाला रखने के बाद इसे एक मिनट तक अच्छी तरह से भून लें। फिर इसमें रखेंगे हरा मटर। हमने यहाँ पर हरा मटर लिया है, इसके जगह पे आप फ्रोजन मटर भी यूज़ कर सकते हो, और गाजर, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा जो गाजर और मटर है वो अच्छी तरह से पक जाए, इसलिए अब 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर ढककर हम पकाएंगे। अगर आप फ्रोजन मटर का यूज़ करते हो तो उसे ढककर पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सॉफ्ट होते हैं। हमने यहाँ पर नॉर्मल मटर लिया था, इसलिए हमने इसे 2 मिनट तक लो फ्लेम पर ढककर पकाया, जिससे जो मटर है वो अच्छी तरह से पक जाए, और हमारे मटर अभी काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें रखेंगे टमाटो केचप। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए मैं प्रिफर करती हूँ ये रखना। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से टमाटो केचप कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने यहाँ पे रखा है 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लिया है, अब हम इसमें रखेंगे पके हुए पास्ता। पास्ता को हमने उबालने के बाद इसे ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर दिया था, जिससे जो पास्ता का टेम्परेचर है वो वहीं पे रुक जाए और ये पास्ता ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। अगर ज़्यादा समय तक आप पास्ता गर्म पानी में रखते हो तो उससे पास्ता काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, उसके गल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है, और वो एक दूसरे के साथ चिपक भी सकते हैं। इसलिए जैसे ही आपका पास्ता पक के रेडी हो जाता है, उसे गर्म पानी से निकाल कर ठंडा पानी में रख दें, और जब ये बनाना हो तो ठंडा पानी से निकाल कर आप इसे डायरेक्टली बना सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पास्ता अच्छे से नहीं पकता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पास्ता नहीं पका है अच्छे से, तो जब आप इन सारे मसालों में आप पास्ता रखोगे, पास्ता रखने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और थोड़ा सा पानी रखकर इसे ढककर 1 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लें, और बीच बीच में चेक करते रहें। ऐसे करने से जो पानी का स्टिंग है उससे आपका जो पास्ता है वो अच्छी तरह से पक जाएगा, और ये खाने में भी बिल्कुल भी कच्चा नहीं लगेगा और ना ही ओवरकुक होगा। हमारी रेसिपी सर्व करने के लिए रेडी है। इसे हरे धनिया के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म इंडियन स्टाइल का पास्ता सर्व करें। ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट्स में अपने ज़रूर बताएं।